आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे भाइयों और बहनों, इस रात्रि के समय हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें संरक्षण प्रदान करें और हमारी आत्माओं को शांत कर हमें अच्छी नींद प्रदान करें। आंखें बंद कीजिए। ए करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ये हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये हमारे साथ रहने वाले हमारे सहायक पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी संगति के लिए, तेरे संरक्षण के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे शरीरों को ऊर्जा देने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे सारे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कामकाज के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें उत्साह प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेम और उत्साह के साथ अपने सारे कार्यों को करने के लिए तूने हमें कृपा दी, धन्यवाद देते हैं। तूने हमें सफलता प्रदान की, हमारे परिश्रमों के लिए प्रतिफल प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। ए प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम पर दया करना। हे पवित्र आत्मा, हमने तुझे दुखी बनाया है। एफेसियों के पत्र के 4:30 में पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा को दुखी मत बनाना। हमने मनमाना जीवन जिया है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जिया है, हमने तुझे दुख दिया है, तेरी आवाज को सुना नहीं है। आज दिन भर में कितनी बार तूने हमसे बातें की, उन सारी बातों को हमने अनसुना कर दिया। हम तुझसे माफी मांगते हैं, तुझसे माफी मांगते हैं उन सारी बातों के लिए जो हमारे लिए हानिकर है और तेरी इच्छा में, तेरी दृष्टि में अच्छा नहीं है। उन सारी बातों को जो हमने किया है, हमने नशा खाया पिया, गलत बातें की, गंदी बातें की, गंदी दृष्टि के साथ लोगों को देखा, मन में विचारों में विकारों में बुराइयां लाई, उन सारी बातों के लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। हम पापी हैं प्रभु, हम दुर्बल हैं, हम पर दया करना। तेरे पवित्र जल को हमारे ऊपर गिराना और हमें शुद्ध करना, पवित्र करना, हमारे पाप के कलंक को मिटा देना, हमें आज रात सुरक्षा प्रदान करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, इसयास ने भी 43 में, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पर चलोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। हां प्रभु, आज रात को हमें एक ऐसा अनुभव देना, हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचा के रखना, हमें डरावने सपनों से बचा के रखना, शैतान के हर प्रकार के प्रलोभन से बचा के रखना, बुराई से बचा के रखना, हमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करना, तेरे लाखों दूतों को भेजकर हमारे घरों को संरक्षण प्रदान करना, किसी भी अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा हमारे घर पर कार्य ना करे, हमारे जीवन में कार्य ना करे, हमारी आत्माओं को शांति प्रदान कर, हमारे शरीरों को विश्राम प्रदान कर, अच्छी नींद प्रदान कर, अच्छे सपने प्रदान कर, कल का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने, आनंद का दिन बने। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों, दयालु प्रभु धन्यवाद देते इन पलों के लिए। मेरे भाई बहनों को मैं इस समय तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, एक एक व्यक्ति को इस समय स्पर्श करना, उन्हें शांति प्रदान करना, उन्हें आनंद प्रदान करना, उन्हें उत्साह प्रदान करना, उन्हें अच्छी नींद प्रदान कर कल के लिए तैयार करना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।